हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो आज मैं आप लोग के साथ मेरा ये वाला मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप, ये एक फेस्टिवल या फेस्टिव मेकअप लुक आप बोल सकते हैं, जैसा कि इस समय रक्षाबंधन आने वाला है। तो सो रक्षाबंधन के लिए मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है, देख सकते हैं आप। आप भी दोस्तों, एक ये फेस्टिव मेकअप लुक है, आप भी घर पे इस तरह से आप भी रेडी हो सकती हैं। और आप दोस्तों, ये जो आई मेकअप है जो ही नहीं, आप भी ये आई मेकअप करें, आप सिंपली ऐसे ही मस्कारा लगा के भी इस लुक को छोड़ सकते हैं। मैंने मेरे आउटफिट के हिसाब से मैंने माई आई मेकअप किया है, बट अगर आपको जरूरी नहीं लग रहा है, अगर आपको ज़्यादा ये थोड़ा सा, मतलब आई मेकअप क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कि ट्रिकी होता है, और स्पेशली तब जबकि कोई फेस्टिव हो, अगर हमें जल्दी में तैयार होना हो तो आई मेकअप तो हम स्किप ही कर देते हैं। मैं खुद भी कर देती हूँ आई मेकअप, मैं बहुत ही रेयरली मैं करती हूँ, बट इस लुक के लिए मुझे ये अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने किया। जो ही नहीं कि आप भी करें, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरा ये मेकअप लुक है जो आपको पसंद आएगा, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, जो कि है न्यूट्रीराम का, और करेंटली जो मॉइस्चराइजर है वो मेरा फेवरेट है, और ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बहुत कॉस्टली है ये, बट मॉइस्चराइजर जो है वो बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चराइजर है ये दोस्तों। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, जो कि है पैक कॉस्मेटिक का, पैक का पोर फिलिंग प्राइमर है। प्राइमर भी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छे से स्किन को स्मूथ कर देता है, फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, और आपके मेकअप को बहुत देर तक टिका के भी रखता है। तो ये इस तरह के मेकअप लुक के लिए प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं प्राइमर में अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, जो कि है लैक्मे का फाउंडेशन, और इस वाले फाउंडेशन के ऊपर मैंने दोस्तों दो तीन मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, और आप सभी लोगों को पता है मेरा कितना फेवरेट फाउंडेशन है, और इसे मैं अपने हैंड से ही अप्लाई करूँगी दोस्तों। मुझे लगता है हैंड से ज़्यादा नेचुरल फिनिश आती है, ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर भी है मेरे पास, मैं ज़्यादातर हैंड से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। इसमें जो मेरा सेट है W120 वार्म क्रीम, और इस फाउंडेशन के बारे में मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और ये जो सेड है ये भी बहुत अच्छे से मेरे स्किन पे मैच होता है, पूरी तरह से मैट फाउंडेशन है ये, बहुत ही अच्छा वाला फाउंडेशन है ये। इसके बाद अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो कि है शुगर का, इसमें जो सेड है मेरा 12 कुंजी सेड का नाम है, और वैसे कंसीलर मैं इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ दोस्तों, एक ही दो कंसीलर है मेरे पास, जिसमें से ये वाला जो कंसीलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसे मैं पैक का 219 नंबर है इस ब्रश का, वो मैं कंसीलर ब्रश है इसे जिसमें से ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा कंसीलर ब्रश है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। और दोस्तों वैसे बताऊँ तो मैं आई मेकअप जो है मैं बहुत ज़्यादा आई मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे पावर वाले ग्लासेस भी लगे हुए हैं, तो बहुत हैवी आई मेकअप मैं देर तक मैं कैरी भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे आँखों में इरिटेशन भी होने लगता है, इसीलिए मैं सिंपली ज़्यादातर मैं मस्कारा ही अप्लाई करती हूँ ज़्यादा, जैसा कि आप मेरे वीडियोज़ में देखते होंगे। कभी कभार जब कोई इस तरह का फेस्टिवल आता है या फिर कोई ऐसा ओकेजन होता है तभी मैं आई मेकअप करती हूँ, अदरवाइज मैं आई मेकअप मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ दोस्तों। बट यहाँ पे इस लुक के लिए मुझे ये ज़रूरी लगा इसलिए मैं आई मेकअप कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर लिया है जो कि के ब्यूटी का, उससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ, और ये मैंने एक छोटा सा मैंने आई शेडो ब्रश है उसी से मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। उसके बाद बारी आती है आई शेडो की, जो कि ब्यूटी ग्लेज का आई शेडो पैलेट है, उसमें मैंने सबसे लाइट वाला जो कलर है उसे एज ट्रांजिशन शेड में अप्लाई कर रही हूँ। वैसे दोस्तों जो मेरा आउटफिट था उसके मैचिंग का मुझे आई शेडो जो था वो मुझे नहीं मिल रहा था, मेरे पास इतना आई शेडो पैलेट है भी नहीं, तो यही वाला एक आई शेडो पैलेट है जो कि मल्टी कलर आई शेडो पैलेट है, इसमें से ही ये जो कलर है थोड़े बहुत मेरे आउटफिट से मैच कर रहे थे इसलिए मैंने इन्हें पिक किया हुआ है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ब्लेंडिंग इज द की, जितने अच्छे से आप अपने आई शेडो को ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छे से आपके आई शेडो का लुक आता है। और यहाँ पे देख सब पा रहे होंगे जो ट्रांजिशन शेड था बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं एक डार्क शेड पिक कर रही हूँ और इसे मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी। अगेन मैंने दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उससे मैं अपने
आउटर बी पे इस कलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ये जो कलर है वो बहुत अच्छे से, मतलब पिगमेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से ये पॉपअप होके आइज़ पे दिख रहे थे, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम इस आई शेडो में, थोड़े बहुत फॉल आउट होते हैं। अदरवाइज जो आई शेडो है वो बहुत ही मल्टीपर्पज़ आई शेडो है, बहुत ही अफोर्डेबल भी, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा हाइप भी है, बहुत जगह आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे वेबसाइट पर मिल रहा है, 450-450 तो रुपए में ये आपको मिल जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल है। तो एक ऑल इन वन आई शेडो पैलेट लेना है तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूस मैं अपने आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ। और वैसे मेरे आउटफिट से तो इतना मैच नहीं कर रहा है, बट जो आई शेडो का कलर आ रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा लूज पाउडर लेके जो एक्स्ट्रा आई शेडो जो थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया था उसे मैं हटा रही हूँ। और उसके बाद इसका जो शिमरी शेड है उसे मैं लेके अपने फिंगर से फ्रंट पे अप्लाई कर रही हूँ। ये जो कलर है बहुत अच्छे से पॉपअप होके आ रहे थे वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही कलरफुल, एक पिकॉक का जो एक कलर है मुझे लग रहा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल ये जो आई शेडो पैलेट है वो काफ़ी अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये जो आई शेडो है अफोर्डेबल भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आईज़ का जो मेकअप था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, दूसरे वाले आईज़ का जो मेकअप है वो मैं ऑफ़ कैमरा करूँगी, ऑन कैमरा करूँगी तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो जो है लंबी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही आईज़ का जो मेकअप था वो कंप्लीट कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा फॉल आउट था उसे मैं हटा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है फेस कैंडा की ये आई पेंसिल है, मेरी फेवरेट है, आप सभी लोगों को पता है, इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसी से मैं थोड़े से अपने आईज़ को डिफाइन कर रही हूँ, अपने लोअर लाइन पर इस काजल पेंसिल को अप्लाई कर रही हूँ, और इसका जो स्मजर है उसी से मैं थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ। पर्सनली मुझे इस तरह से आई मेकअप करना अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसका जो ब्लू कलर है उसे भी लेके अपने लोअर लाइन पे थोड़ा सा आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैं काजल पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। बाकी टोटल आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो दोस्तों, मेकअप का कोई ऐसा रूल नहीं होता है, आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे वैसा आप लुक क्रिएट कर सकते हो। अब बारी आती है मस्कारा की, जो कि ये बेनिफिट का ये मस्कारा है, आप सभी लोगों को पता है, और ये जो मस्कारा है टोटली एकदम बॉम्ब मस्कारा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंस्टेंट ये लैसेस को इतना ज़्यादा मतलब पॉपअप कर रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने इसको बाई करने में इतना लेट क्यों किया, मुझे लगता है मैं पहले बाई करती तो मैं शायद ही और मस्कारा में इन्वेस्ट करती। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ऑल इन वन है। सबसे पहले अगर आप एक मस्कारा लेना चाहते हो तो आप ये मिनी वाला आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होंगे। और दोस्तों इस मस्कारा के ऊपर बहुत जल्द ही मैं एक फुल वीडियो भी बनाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जितना ये मस्कारा मतलब हाइप है, अब समझ में आया कि क्यों हाइप है, टोटली वर्थ है ये, मतलब सच में दिखता है कि हाँ आपने अपने आई लेसेस पर आपने कुछ लगाया हुआ है, दूर से भी पता चलता है, जैसा कि आप सामने आप देख भी पा रहे होंगे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, दूर से फिर भी आपको पता चल रहा है कि हाँ मैंने मस्कारा लगाया हुआ है। इसको लगाने के बाद आपको फॉल्स आई लेसेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनमें से हैं जिनको लगाना नहीं पसंद है फॉल्स आई लेसेस, तो डेफिनेटली आप इस मस्कारा में इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये मस्कारा। इसके बाद दोस्तों मैं अप्लाई करूंगी फॉल्स आई लेसेस जो कि पैक कॉस्मेटिक की, इसे मैं ऑफ कैमरा अप्लाई करूंगी, ऑन कैमरा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फॉल्स आई लेसेस लगा लिया है, देख पा रहे होंगे आप। और दोस्तों ये वाला जो स्टेप है पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मैंने फॉल्स आईलेसेस लगाया है, आप चाहे तो सिर्फ मस्कारा लगा के इस लुक को छोड़ सकते हैं ऐसे ही। तो मेरा यहाँ पे जो आई लुक था दोस्तों वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है की ब्यूटी का, इसमें जो मेरा शेड है 110Y, इसमें शेड जो मेरा नाम है सेट का नाम जो है। और दोस्तों यहाँ पे जो के मोस्टली मैंने जो प्रोडक्ट है वो के ब्यूटी के यूज़ किए हुए हैं, के ब्यूटी के सारे ही प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। इसके बाद जो ब्लश है ये भी के ब्यूटी का ही ब्लश है, शुगर कैंडी सेट का नाम है। इन सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होती है कि बहुत देर तक स्टे करते हैं, जैसा कि ये ब्लश मैं इसे लगा लेती हूँ बहुत देर तक एक चिक्स पे ये टिका रहता है, हटता नहीं है, बहुत ही नेचुरल से फिनिश आती है, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्लश पसंद है, बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है। तो दोस्तों अगर आप अच्छा सा ब्लश लेना चाहते हैं तो ये
की ब्यूटी का जरूर ले सकते हैं। मुझे की ब्यूटी के पर्सनली सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और दोस्तों आगे भी मैं आप लोगों के साथ की ब्यूटी के कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनका मैं रिव्यू शेयर करूँगी। ये की ब्यूटी का हाईलाइटर है जिसमें मेरा सेड है रोज ड्यू, एक ये डस्टी पिंक कलर का हाईलाइटर है, बहुत ही डिफरेंट मुझे लगा, बहुत ही दिन के लिए तो मुझे हाईलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कोई चंकी पार्टिकल नहीं है, बहुत ही नेचुरल लगता है ये स्किन पर, बहुत इसे मैं अप्लाई करती हूँ। और दोस्तों जल्दी मैं की ब्यूटी का फाउंडेशन भी मैंने बाय किया है, उसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इवन मैंने उसका वीडियो जो था वो भी शूट कर लिया था, बट जैसा कि रक्षाबंधन आ रहा था तो मुझे लगा पहले मुझे ये वाला वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोग के साथ जल्द ही की ब्यूटी का जो फाउंडेशन उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। और की ब्यूटी का और भी प्रोडक्ट हैं और कई सारे कंपैरिजन वीडियो भी हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ओवरऑल जो लुक है वो कंप्लीट हो रहा है। इसी हाईलाइटर को लेके थोड़ा सा मैं अपने आइज़ के ऊपर भी मैं इसे थोड़ा हाईलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे। और दोस्तों मेरा ये जो ओवरऑल जो लुक आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि मेबलिन की लिक्विड मैट लिपस्टिक है दोस्तों, और इस लिपस्टिक पर भी मैंने वीडियो बनाई है। मैं इसमें सेट का नाम है 08 सेंसेशनल मी सेट का नाम है। और दोस्तों ये लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत देर तक टिकी रहती है, बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई नहीं करती है, ट्रांसफर प्रूफ है ये लिपस्टिक। और ये जो सेड है बहुत ही सुंदर पिंक न्यूड कलर है, मेरे आउटफिट के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा आपको इसमें पीस दिख रहा होगा दोस्तों, बट ये पूरी तरह से एक न्यूड कलर है, पिंक न्यूड कलर है। इसको लगाने के बाद इंस्टेंट जो फेस है वो ब्राइटन अप हो जाता है। मुझे ये लिपस्टिक पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं इस लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेरा जो पूरा जो मेकअप लुक था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं एक छोटी सी बिंदी अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, जैसा आपका आउटफिट हो उसके हिसाब से आप रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बिंदी लगा लिया जो कि मुझे मतलब जो कि चूँकि ये फेस्टिव मेकअप लुक है तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं एक मैरिड गर्ल हूँ, इसके बाद मैं सिंदूर लगा रही हूँ। आप मैरिड हैं तो आप लगा सकते हैं, अगला मैरिड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और पूरा लुक जो देख सकते हैं मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मैंने अपने आउटफिट के हिसाब से ये ज्वेलरी मैंने पहना हुआ है। मेरा जो हेयर स्टाइल है बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं एक स्टेप मैं स्किप कर गई, भूल गई मैं जो कि है मेरा ये आईब्रो को फिल करना, इसे मैंने ऑफ कैमरा मैंने अप्लाई किया। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा पूरा मेकअप लुक जो है कंप्लीट हो चुका है, देख पा रहे होंगे। और दोस्तों मेरा ये मेकअप लुक आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा। ड्यूरिंग वीडियो आप देख पा रहे होंगे मेरी जो बेबी थी वो इधर उधर खेल रही थी, तो एक बच्चे के साथ वीडियो बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जितनी भी ये मदर होंगी मेरे इस चीज़ से आप ज़रूर रिलेट करेंगी, तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का मेकअप लुक, देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल था, इजी था, आप खुद से ही अपने घर पे कर सकती हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरा जो मेकअप लुक है आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरी आगे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।